गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है राज सुए वाजपेयी अश्वमेध, तीन यज्ञ हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, राज सुए यज्ञ क्या होता है, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है और अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। ठीक, तो देखिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ठीक, वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, किंग वॉज चूजन, जब भी हमारा किंग को चूज किया जाता था तो वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था। मीन जब किंग का, जब राजा का राज्याभिषेक होता था, जब उसे चुना जाता था, तब हमारा राजसूय यज्ञ होता था। इसमें एक चीज आपको याद रखनी, हमेशा एनिमल सेक्रीफाइस इसमें होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एनिमल का सेक्रीफाइस होगा, इसमें हम ढेर सारे एनिमल्स की बलि देंगे। ठीक, बेसिकली बुल की दी जाती थी, जो बैल होता है इनकी बलि देते थे। ठीक, तो राजसूय यज्ञ में क्या होता था, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब के लिए होता है। ठीक, फर्स्ट हो गया। सेकंड है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, अब राजा को राज्य तो मिल गया, मगर अब जनता में अपना विश्वास दिखाएगा कि नहीं। तो बेसिकली ये एक स्पोर्ट इवेंट होता था, स्पोर्ट इवेंट होता था। इसमें राजा क्या करता था, रथ दौड़ करता था। राजा का रथ होता था और भी कई लोग के रथ होते थे, तो दौड़ करता था, उसमें राजा को जीतना होता था। ये स्पोर्ट इवेंट होता था। ठीक है, बहुत ढेर सारे रथ होते थे, उसमें राजा का रथ मध्य में होता था और राजा सारे रथों में जीत, मतलब जो सारे रथ दौड़ते थे, रेस होती थी ना, चैरियट रेस, तो उस चैरियट को दौड़ाता था और जीत जाता था। तो ये क्या है, अपनी जनता में अपना विश्वास कायम करने का एक तरीका है। ठीक, बेसिकली वाजपेयी का अगर इंग्लिश में समझे तो ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का घूट, इसका तात्पर्य होता है। ठीक, यहां तक आगे अब आते मेन अश्वमेध यज्ञ। आपने देखा होगा रामायण में, जब जो मेन रामायण खत्म हो जाती है, उसके बाद की जो उत्तर रामायण है उसमें क्या होता है, एक घोड़ा आता है, उसको लव कुश पकड़ लेते हैं, और लव कुश जब पकड़ते हैं फिर उसी के साथ साथ वो राम जी तक पहुंचते हैं। तो घोड़ा होता है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, जो राजा सबसे शक्तिशाली होता है वो एक घोड़ा चुनता है, उसकी पीठ पे अपने साम्राज्य का झंडा लगाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। वो जहां तक दौड़ता चला जाएगा वहां तक का एरिया उस राजा का होता जाता है। और इन केस उस घोड़े को अगर कोई पकड़ लेता है तो उसको उस अश्वमेध वाले राजा से युद्ध करना पड़ेगा। वो पकड़ के ले आता, जैसे लाइक लव कुश पकड़ के ले गए थे, तो वो वापस उनसे युद्ध होगा, मतलब आपने टेरिटरी इनकी कबूल नहीं की, युद्ध करिए और टेरिटरी जीत लीजिए, अन्यथा अगर कोई भी राजा मेरी टेरिटरी से होकर चला जाएगा तो मतलब मैंने कबूल लिया, मैं उनके अंतर्गत आ गया बिना युद्ध किए, शांति प्रिय तरीका था। ठीक, तो इसमें होता क्या था, इसमें घोड़े को लिया जाता था और उसकी जो वेन होती है, वेन नस, पैर की नस को हल्का सा ब्लेड लगा के कट कर दिया जाता था। ये एक व्यक्ति होता था जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था साम्राज्य का, उसको कहते थे महीषी नामक व्यक्ति उसके उस घोड़े की वेन में, नस में एक कट लगा देता था, जिससे वो धीरे धीरे खून बहने लगता था, उसी एकदम से नहीं, धीरे धीरे बहता था। ठीक है, और घोड़ा इसी से दौड़ता था, अगर ऐसा ना करें तो वो दौड़ता चला जाएगा, वो पता नहीं किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होता था, घोड़ा ऐसे दौड़ता चला जाएगा क्योंकि उसके पेन हो रहा है, तो वो दौड़ता चला जाता था और इस हिसाब से कट लगाया जाता था कि वो 40 से 45 दिन में या उसकी मृत्यु हो जाए या उसको पकड़ के वापस लाया जा सके। ठीक, तो महिषी ने उसके पैर में कट लगा दिया है, घोड़े को झंडा लगा के साम्राज्य का छोड़ दिया गया है। ठीक, वो कवर करता जा रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, 40 दिन बाद या वो घोड़ा स्वयं से मर जाएगा या फिर उसको पकड़ के लाया जाता था, मतलब किसी ने उसको नहीं रोका तो उसको सैनिक रहते थे वो उसको पकड़ के लाते थे क्योंकि ऑलमोस्ट घोड़े की मरने वाली स्थिति आ गई है। फिर उस घोड़े का बलिदान किया जाता था, उसकी बलि दे दी जाती थी और फिर उस घोड़े के फ्लेश को सब में बांट दिया जाता था और तब जाके अश्वमेध यज्ञ को पूरा माना जाता था। ठीक, प्लस इसके साथ साथ क्या किया जाता था, 21 काउस, ऐसी गाय जो बच्चा जन्म नहीं दे सकती थी, जिनसे बछड़ा नहीं पैदा हो सकता था। ठीक है, तो 21 वो काउ प्लस 600 बुल, 600 बैल को पकड़ा जाता था और उनको काटा जाता था और फिर वो सब में बांट दिया जाता था। ठीक, और तब फाइनली अश्वमेध यज्ञ पूरा मान लिया जाता था। तो इन तो अब इन शॉर्ट कंटेक्स्ट में, नटशेल में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राज्य सुवे में हम लोग किंग चूज करते हैं, वाजपेयी में पीपल का भरोसा जीतते हैं, ट्रस्ट ऑफ पीपल, राजा बना
वाज सुए से, वाजपेय में उसने चैरियट रेस करके अपनी शक्ति दिखाई, देन उसके बाद अब अपनी सीमा को आगे बढ़ाएगा। तो अश्वेत में क्या करते थे, एक्सपैंड द टेरिटरी, एक्सपैंड द टेरिटरी। ओके, तो हमारा ये था हमारे तीन यज्ञ जिसमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।